नमस्कार आज के इस सजीव प्रसारण में मैं डॉक्टर नीलिमा पंत सहायक निदेशक एन आपका स्वागत करती हूँ आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उप, उप, उपस्थित हैं वह टॉपिक है प्लांट प्रोटेक्शन इन समर वेजिटेबल क्रॉप्स यानी कि ग्रीष्म ऋतु की सब्जियों में पौध संरक्षण इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मयंक कुमार राय प्रोफेसर एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में और दर्शकों आपको पता है गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है और अब बहुत सारी कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हमें मिलने लगी हैं तो इन सब्जियों में क्या मुख्य समस्याएं आ रही हैं उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो सर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं धन्यवाद डॉक्टर नीलिमा जी ये समसामयिक टॉपिक है और जो हमारे लर्नर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा एक तरह से मार्च का महीना चल रहा है और जनरली जो समर वेजिटेबल्स होते हैं उनकी जो प्लांट जो पौध होती है वो फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में किसान तैयार कर लेते हैं या जो भी ग्रोअर्स हैं वो तैयार कर लेते हैं और उनको फिर जो है खेत में ले जाते हैं जब फसल ये कुल मिला करके जो समर वेजिटेबल्स होती हैं वो जनरली 80 से लेकर के 120 दिन की फसल ये होती हैं और इस समय अगर अगर हम जिसे आज का जो हमारा सब्जेक्ट है प्लांट प्रोटेक्शन इन समर वेजिटेबल क्रॉप्स इसको अगर हम अगर इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी अगर हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो इसको कर इसका दूसरा टर्म दूसरा टर्म भी हम आप इसको दे सकते हैं जिससे कि सारी जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल है उसका इंटीग्रेशन करना ही एक तरह से वेजिटेबल्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और इस समय जो है करीब करीब सभी जो है जो हमारे ग्रोअर्स हैं उनकी फसल 30 से 40 दिन की हो चुकी है और इस समय उनके पास जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है जो सुन रहे हैं लर्नर्स कि उसको कैसे जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है और वो भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से कर सकते हैं और ऑर्गेनिक वे में अगर करें तो वो उससे भी बेहतर है जिसमें केमिकल्स किसी तरीके का यूज़ न करें तो ये ज़्यादा चूँकि इस समय आर्गेनिक वेजिटेबल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो ग्रो कर रहे हैं लोग उनके लिए जो है उसके अच्छे रेट भी मिल रहे हैं इस तरीके से अगर आप केमिकल्स के थ्रू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रेट कम मिलेंगे लेकिन अगर आर्गेनिक वे में अगर कर रहे हैं और समर वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं तो वो रेट के पॉइंट है वो से भी आपको काफ़ी बेहतर कंडीशन में आप हो सकते हैं जी सर बहुत अच्छी बात बताई आपने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की भी आप बात कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि अब हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ बढ़ें क्योंकि हमने हमारी जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमने बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और जिसके कारण जो हमारी मृदा है वो बहुत ख़राब हो रही है हमारा अंडरग्राउंड वाटर ख़राब हो रहा है साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े बहुत ज़्यादा इस पर गवर्नमेंट बढ़ावा भी दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे जो ग्रोवर्स हैं फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं और सर स्पेशली वेजिटेबल्स के लिए भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रोइंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी जो पेरिशेबल लाइफ बहुत कम होती है और इसमें जो रेसिडि इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जी तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सारी सब्जियां हम कच्ची भी खा लेते हैं एज अ सैलड और उसमें ज़्यादा अगर केमिकल्स रहें तो फिर वो बहुत नुकसान पहुँचाता है कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें यह है कि जैसे जो भी पेरिसेबल है लेकिन पूसा संस्थान दिल्ली की एक टेक्नोलॉजी है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर उसके माध्यम से गर्मियों में जो बयालीस से पैंतालीस डिग्री टेम्परेचर चला जाता है उसको हम जीरो एनर्जी कूल चैम्बर एक स्ट्रक्चर है उसको हम अगर किसान अपने लेवल पे बना ले तो आठ से दस डिग्री टेम्परेचर जो है वो अपना नीचे कर सकता है जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके उससे नीचे कर सकता है और उसमें जो है सब्जियों को जो है रख सकता है तो जब से सब्जियां कोई भी हार्वेस्ट करते हैं हार्वेस्ट करने के बाद दो से तीसरे दो से तीन दिन में सब्जियों को मुरझाने लगती हैं लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो गया तो इसको जीनियो जिन जीरो एलर्जी कूल चेंबर के माध्यम से किसान उसमें रख सकते हैं तो इसमें क्या होता है कि आठ से दस दिन तक जो है आप इसको अपनी सब्जियों को ताज़ा रख सकते हैं उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर अगर प्रॉपर तरीके से रहे तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं दूसरा आपने जो बताया अगर आर्गेनिक वे में अगर कर रहे हैं आप तो वैसे भी उसका तो 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 जो थोड़ा जो पेरिसेबल जो आइटम है उसका जो सस्टेनेबिलिटी है थोड़ा सा उसका जो लाइफ है वो बढ़ जाती है चूँकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है सब्जियों में कि वो जितना केमिकल वे के तरीके केमल केमिकल यूज करके फर्टिलाइजर यूज करके अगर आप वेजिटेबल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में कर रहे हैं नेचुरल तरीके से कर रहे हैं तो उसमें जो है उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि सस्टेन सस्टेन करने की उसको आ, मतलब मुरझाने की जो क्षमता है वो बड़े मतलब उसमें मतलब आप एक तरह से स्ट्रेंथ मिल जाएगी वो ग्रोथ उसका शेल्फ लाइफ सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है काफ़ी तो दो चीज़ें तो ये हो गई तीसरी चीज़ खासकर जो सब्जियों के साथ होता है सब्जियों में जो भी लोग केमिकल्स यूज करते हैं जनरली केमिकल्स में वेटिंग पीरियड दिया, दिया हुआ होता है तो वेटिंग पीरियड आज जैसे आपने स्प्रे किया तो कम से कम एटलीस्ट तीन दिन का वेटिंग पीरियड मिनिमम किसी भी इंसेक्टिसाइड का होता है मैक्सिमम बहुत ज़्यादा दिन हो सकता है तो सबसे सेफर इंसेक्टिसाइड का आप लोग प्रयोग करें और सेफ़र इंसेक्टिसाइड के साथ साथ आप वेटिंग पीरियड देख लें कि आज आपने स्प्रे किया तो कम से कम कंज्यूमर के पास तीन से चार दिन का चार दिन का कम से कम गैप होने के बाद अगर वो जाए कंज्यूमर के टेबल पर जाए या कंज्यूमर के घर जाए तो देट इज वो वो बेहतर है कंडीशन इस तरीके से आपको भी ध्यान रखना है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं लोग अगर आप केमिकल यूज़ भी कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उसको जो रिकमेंडेड केमिकल है उसी का यूज़ करिए और उसको क्वांटिटी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए ऑप्टिमम क्वांटिटी होनी चाहिए और वेटिंग पीरियड का जरूर ध्यान प्रतीक्षा अवधि जिसको बोलते हैं कि आज आपने केमिकल यूज़ किया तो कम से कम इतना तो उसमें बेहतर कंडीशन होनी चाहिए कि चार से पाँच दिन के बाद वो कंज्यूमर के पास जाए तो ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वेजिटेबल्स के साथ जी सर बहुत अच्छे से आपने बताया सर कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और जब समर सीज़न आ गया तो जो आपने स्पेशली जी, जो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर की बात बताई तो ज़ीरो एनर्जी कूल चैम्बर बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत कम कॉस्ट में बनता है और हमारी जो ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां होती हैं उनकी बहुत हद तक उनको आ, स्टोरेज के लिए के लिए यूज़ कर सकते हैं तो सर जैसे कि आज का हमारा जो विषय है प्लांट प्रोटेक्शन इन समर वेजिटेबल क्रॉप्स और अब ये कद्दू वर्गीय सब्जियों का समय ये, ये। है ये। तो मुख्य रूप से कौन कौन से जो इंसेक्ट पेस्ट हैं जो कद्दू वर्गीय सब्जियों को देखिए मैं उनके तो पहले सब्जियों की बात कर लेते हैं जैसे खीरा है जी कद्दू है ककड़ी है करेला है आपका जो है तरबूज है खरबूज है इन सब सारी चीजों का प्रोडक्शन इस तरीके से करीब करीब इस समय होता है जी और अभी तक तो जो स्थिति होती कि है कुछ किसान ऐसे होते हैं जो बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर जो है ले रहे हैं जो हाउस में लेते हैं प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में लेते हैं या सिडनेट वगैरह तो बना रखे हैं तो वो सब खीरा जैसे आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको पॉली हाउस में खीरा का उत्पादन हो रहा है जी। तो चेरी टमेटो है इसका उत्पादन हो रहा है आपका जो आप जाएंगे तो आपको जो है ब्रेसिका के जितने वेजिटेबल्स हैं ग्रुप के उनका भी कृषि फेरी ग्रुप कह सकते हैं उसका भी गोभी वर्ग की सब्जियों का भी प्रोडक्शन इस समय बहुत किसान कर रहे हैं Le, और जनरली जो मेजर इंसेक्ट्स हैं उसमें चार पांच तरीके के मेजर इंसेक्ट होते हैं पहली चीज तो है कि जिसे एक आपने देखा होगा काफी चमकदार इंसेक्ट होता है रेड पम्पकिन बिटिल बोलते हैं उसको तो जिसे उसका वो कोलेप्ट्रा ग्रुप का होता है बिटिल्स होते हैं वो कोलेप्ट्रा ग्रुप्स के होते हैं तो रेड पंपकिन बिटिल चमकदार होता है और बड़े बड़े साइज का होता है तो एक तो जनरली वो मिलता है उसके साथ साथ स्टिंग बग हो गया है वो होता है कोकुरबिट स्टिंग बग बग वो भी जो है एक तरह से आपको समझ लीजिए उसका दूसरा जो आर्डर है हेमिप्ट्रा ग्रुप इंसेक्ट का उसमें जो है होता है तीसरा जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो फ्रूट फ्लाई होता है फ्रूट फ्लाई को जो है वो डिप्ट्रा ग्रुप से होते हैं और एक स्पॉटेड बिटिल होते हैं इपिलैकना जिसको बोलते हैं तो ये जो है चार पाँच इंसेक्ट ऐसे होते हैं और थोड़ा सा आप माइनर इंसेक्ट्स में अगर आप जाते हैं तो माइनर इंसेक्ट्स में आप जो है आप फोटो फोटोग्राफ्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट हमारे मेजर इसमें नुकसान पहुंचाते हैं माइनर इंसेक्ट्स में जो होते हैं जनरली ज़मीन के नीचे से कटवर्म है जिसको कि बहुत पहले से इसको जो है मतलब इंसेक्ट हमारे किसी भी क्राप को नुकसान पहुंचाता है इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स क्राप्स को किसी भी चीज़ में नुकसान पहुँचाता है उसमें कटवर्म सबसे इंपॉर्टेंट है टर्माइट है फ्लियाबिटिल है फ्लियाबिटिल है, फ्लिया है और हमने बताया एफिड्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एफिड्स प्राप्त कर थ्रिप्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है और एक इंसेक्ट होता है हेरी कैटरपिलर जिसको कि इसमें हम सोयाबीन हेरी कैटरपिलर के नाम से जान रहे हैं बिहार हेरी कैटरपिलर भी कहीं कहीं कहते हैं जो पॉलीफेगस इंसेक्ट होता है ब्लिस्टर बिटल है सेमी लूपर है और बोरिंग बिटल है ये कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो सारे फसलों में एक तरह से लगते हैं कहीं कहीं आप देखेंगे कि नुकसान पहुंचाते हैं वाइट ग्रफ्स भी होते हैं जिसको कि सफ़ेद गिरार बोलते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं तो ये जो है मेजर और माइनर इंसेक्ट्स जो है और होता क्या है कि जब हम मेजर इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं और हम अनलिमिटेड या इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं बेनियंत्रित नियंत्रित नियंत्रण में अगर हम नहीं यूज करते हैं तो मेजर इंसेक्ट को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन ये माइनर इंसेक्ट जो होते हैं वो मेजर इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो इंसेक्ट हमारे पास लगे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है और आइडेंटिफाई करने के बाद उसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता है नौकी जो है किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड ले जाकर छिड़कने की आवश्यकता है दर्शकों अभी सर ने हमें बताया कि कौन कौन से मेजर इंसेक्ट पेस्ट हैं कुकर के इसमें सर ने हमें कुछ मेजर इंसेक्ट्स के बारे में बताया और कुछ माइनर इंसेक्ट्स हैं जो कि बहुत हद तक जो कुकर होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते नुकसान हैं नुकसान पहुँचा जी सर इसके बाद हम जैसे अभी हम अभी हम आपको देख रहे हैं जैसे एफिड के बारे में हमने बताया आप फोटोग्राफ्स के थ्रू भी देख सकते हैं एफिड्स का जनरली जो है होता क्या है एक एक प्लांट्स पे जो एक एक प, प, पौधा होता है उसमें हज़ारों की संख्या में एफिड मिल सकते हैं बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जब हम कभी कभी देखते होंगे आप गाड़ी चला रहे होते हैं साइकिल चला रहे होंगे मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो आँखों में भी उड़ उड़ करके पड़ते हैं वो एक तरह से एफिड्स होते हैं ज़्यादातर और वो पत्तियों के निचले हिस्से पे जो पत्ती का जो सरफेस होता है उसके निचले हिस्से में वो जनरली उसमें चिपक करके और सैकड़ों की संख्या में वो उससे रस चूसते रहते हैं और बाद में क्या होता है कि उससे पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है अलग अलग कलर हो जाता है और ब्लैकिस हो जाते हैं बाद में और उससे उससे बीमारियाँ भी आ जाती हैं उससे जो है आपको बीमारियाँ भी आ जाती हैं तो इस तरीके से एफिड जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और आप सोयाबीन हेड एंटरपिटल का भी देख सकते हैं रेड पंपकिन बिटिल है जैसे रेड पंप के बिट एक बहुत ही सीरियस पेस्ट है जो बिट्स का है जो खासकर जो हम जो गर्मियों की जो है हमारे मतलब जो सब्जियां हैं इसमें जो है ग्रब्स जो होते हैं खासकर इसके जो है जिसे हमने पहले ही बताया आपको कि कोलियोप्ट्रा ग्रुप्स के होते हैं तो कोलेप्ट्रा में ग्रह होता है कि इनके ग्रब्स जो जिसे कहीं कहीं इसको जो है आप लेपिडोप्ट्रा ग्रुप का होगा तो उसको बोलते हैं लारवा बोलते हैं लेकिन इसमें उसको कोलेप्ट्रा ग्रुप में उसको ग्रब्स बोलते हैं इस इंसेक्ट की चार अवस्थाएँ होती हैं एक लारवा प्यूपा और एडल्ट तो जो ग्रब जो लार्वा जिसको यहाँ ग्रब बोलते हैं वही इंसेक्ट इसको नुकसान पहुँचा रहा होता है और ग्रब्स लीड ए सब्सें एक तरह से अंडरग्राउंड लाइफ जो है इसको ये लीड करते हैं इनको जो है कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हमको हमसे पहले पहले से जो है अगर हमारे पास उसके उसकी प्लानिंग नहीं है तो ये काफ़ी जो है दिक्कत, दिक्कत क्रिएट करते हैं और क्रीमी वाइट कलर के होते हैं डार्क कलर डार्क ओवल शेप में जो है एक तरह से आप समझ लीजिए स्लाइटली डार्कर ओवल ओवल सील्ड एट द बैक मतलब उनके ऊपर जो पीस पीस जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हैड थोरिक्स होता है इसका पीठ होती है इसकी वो स्लाइटली डार्कर डार्क डार्क कलर की होती है बिटिल्स फीड ऑन एब एंड द ग्राउंड प्लांट्स पार्ट्स अभी हमने बताया कि ये अंडरग्राउंड नेचर के होते हैं मतलब ज़मीन के नीचे होते हैं लेकिन ये फीडिंग करने के लिए कभी कभी ऊपर आते हैं और जब आते हैं तो ये काफ़ी जो है नुकसान एक तरह से पहुँचाते हैं और पूरी लिप्स को एक तरह से आपको कह सकते हैं कि इसको वो कर लेते हैं बीटिल्स आर फाउंड ओवर सील्ड इन ग्रुप्स अंडर ड्राई वीट्स दे रिज्यूम एक्टिवली एज एज द सीजन वार्मस अप जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और पूरी इनकी जो लाइफ होती है जैसा कि हमने बताया कि 80 से 120 दिन की जो जनरली वेजिटेबल्स की जो है लाइफ होती है जो समर वेजिटेबल्स की खासकर हम कह सकते हैं जिसमें कि इस इंसेक्ट की जो लाइफ होती है वो 60 से पचासी दिन की होती है तो जब प्लांट हमारा ग्रो कर रहा होता है तो उससे उस, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा ये मतलब जो है बाहर आते हैं और 60 से पचासी दिन की जो लाइफ होती है सबसे ज़्यादा क्रूसियल पीरियड उस समय जो है ये नुकसान पहुँचाते हैं जो अंडे देते हैं वो जो है तीन के आसपास ये अंडे देते हैं और आठ से आ, और आठ से नौ बैच में देते हैं अंडे अलग अलग जगह पर ये अंडे देते हैं और इनके जो अंडे होते हैं वो छः से पंद्रह दिन में निकलते हैं ये आप ध्यान रखिए कि छः से पंद्रह दिन पंद्रह दिन में निकलते हैं और अंडे से जब लारवा जिसको कि ग्रभ बोलते हैं वो इनका नुकसान पहुँचाना शुरू करता है सबसे पहले वो कहाँ करता है रूट्स पे रूट्स पे जैसे जड़ है उसको जो है नुकसान पहुँचाता है अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ द क्रीपर्स जैसे हमारे जनरली जो हमारे जो ये समर वेजिटेबल्स होते हैं क्रीपर्स के रूप में होती हैं तो उनको भी जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं क्रिय का मतलब कि ज़मीन पर लेटी हुई होती हैं उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं और जो फ्रूट्स उससे ज़मीन से लगा हुआ होता है उसको भी ये लार्वा या ग्रब इनका नुकसान पहुंचाते हैं और ये तेरह से पच्चीस दिन में ये पूरी तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लारवा का मैच्योर स्टेज जा आ जा जाती है और उसके बाद ये पी करते हैं तो मतलब तेरह से पच्चीस दिन तक लगातार ये मतलब एक दिन से लेकर के पच्चीस दिन तक इतनी लंबी साइकिल जो है इसकी है हम कह सकते हैं कि लार्वा की वो 25 दिन 13 मिनिमम 13 दिन तक जिंदा रहता है और 25 दिन तक मैक्सिमम जिंदा रहता है तो ये एक से लेकर के 25 दिन तक ये नुकसान पहुंचाता रहता है तो अगर ये लग गया एक बार इन आपके फसल में वेजिटेबल क्रॉप्स में तो उस समय जो है आप इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और जड़ को भी खाएगा तने को भी खाएगा जो तने ले जमीन पर फैले हुए हैं उनको भी खाएगा और फल फल भी फल को भी खाता है इस तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाता है और उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में सात से सत्रह दिन का प्यूपा होता है जिसको कि रेस्ट फेज बोलते हैं तो वो प्यूपा से एडल्ट बनने के बाद एडल्ट के बाद दोबारा सेकंड जनरेशन भी इसकी चांस रहता है कि कभी कभी अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो ओवरलैपिंग जनरेशन या सेकंड जनरेशन भी ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक जनरेशन खत्म होने के पहले ही दूसरी जनरेशन स्टार्ट हो जाए और या तो सेकंड जनरेशन इसकी शुरू हो सकती है पूरी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करने के बाद अगर थोड़ी सी लंबी समय की फसल है तो वो जो है अगर आपने जनवरी लास्ट में या फरवरी के तुरंत लगा दिया तो ये जून जाते जाते सेकेंड जनरेशन भी इसकी स्टार्ट हो सकती है डैमेज क्या करते हैं डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं ये और मार्च अप्रैल से लेकर के जो है बहुत सारे महीनों में ये नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन मेनली जो इसका जो एक तरह से जो नुकसान होता है वो मार्च इस समय होता है और अप्रैल में होता है इसके लिए मैं अभी आप आग, आग, आगे आकर के आपको इसका मैनेजमेंट क्या कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे मैनेजमेंट जैसे हम मान लीजिए इन्फेस्टेड प्लांट्स होते हैं जो भी आप इतना ध्यान रखिए हमारे जो लर्नर्स हैं उतना ध्यान रखें कि गम गर्मी की जो सब्जियां हम ले रहे होते हैं तो एटलीस्ट हंड्रेड परसेंट ये एश्योर कर लें कि गर्मी की सब्जियों के जो खेत हैं वो हंड्रेड परसेंट साफ़ होने चाहिए अगर वह संभव हो तो आप उसको पॉलीथीन से मल्चिंग करके उसको ड्राई वो कर लीजिए जिसको कि सोलर ड्राइंग कह सकते हैं या सोलरलाइजेशन स्टेलाइजेशन एक तरह से आप फील्ड की कर लीजिए उससे क्या होगा कि जो उसके जो कीड़े के जो अवशेष हैं वो कीड़े के सारे अवशेष जमीन में होते हैं वो मर जाते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर हमारे लर्नर्स को सोलर स्टेलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए ये कितने दिन पहले से करना शुरू करना ये बेहतर कंडीशन यह होती है कि अगर आपका फील्ड खाली है तो आप उसको क्या करिए कि पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर लीजिए खेत की अच्छी जुताई करने के बाद आपको थोड़ा सा उसमें हल्का सा पानी चला दीजिए हल्का पानी चलाने के बाद उसमें ब्लैक कलर की पॉलीथीन ले लीजिए ब्लैक कलर की कलर की पॉलीथीन ले करके उसको जो है खेत को ढक दीजिए खेत को जो ढक दीजिए खाद हाँ मल्चिंग कर दीजिए और ख़ास कर क्या होता है कि अगर आप नर्सरी के रूप में अभी शुरू में आप कर रहे हैं तो हेल्दी नर्सरी के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हेल्दी नर्सरी ग्रो करने के लिए आपको इसको मल्चिंग से पॉलिथीन मल्चिंग से आपको जरूर करना चाहिए सोलर सोलर इसको बोलते हैं सोलर सोलराइजेशन तो इसको अति आवश्यक रूप से करने की आवश्यकता होती है इससे क्या होता है कि आपका एक तो फ्रेश नर्सरी मिल जाती है जो प्लांटिंग मटेरियल है वो मिल जाता है प्लस आगे हम जब भी कोई इसमें फसल जब मेन मेन क्राप में जाते हैं तो ये जो है हमारा काफ़ी मतलब इसमें कीड़े और बीमारियों की आ, एक तरह से हम कह सकते हैं नगन है मतलब नहीं मिलता है नहीं होता है तो ये करने की आवश्यकता होती है और खेत खाली है तो आप शुरू में ही कर ले कर लीजिए दस से पंद्रह दिन तक तो उसको ढक करके पॉलीथीन से रख दीजिए और चारों तरफ पॉलीथीन के मिट्टी डाल दीजिए जिससे कि वो हवा वगैरह हो तो उसे न उड़े तो सोलर सोलराइजेशन काफ़ी ज़रूरी है इरिगेशन हमेशा एक वे वेजट, समर वेजिटेबल्स में जनरली क्या होता है कि पहले किसान क्या करते हैं कि उसको ज़मीन पर लिटा देते हैं ज़मीन पर क्रीपर्स होते हैं सब सारी चीज़ें होती हैं तो कोशिश ये करिए कि उसको ज़्यादातर फसलों को आप स्टेकिंग करके लीजिए मतलब कि ऊपर ज़मीन से ऊपर ले करके आप उसका प्रोडक्शन करिए तो ज़्यादा बेहतर है ज़मीन के से टच करते हुए अगर कोई भी फल या उसका पौधा या कुछ हो तो उसमें जो है एक तो जो ऊपर के जो कीड़े होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं और जो जमीन के अंदर कीड़े होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं तो जनरली जो किसान जो ठीक ठाक अच्छे जो किसान हैं या जो हमारे अच्छे ग्रोअर्स हैं वो जनरली स्टेकिंग कर ले रहे हैं उसको स्टिंकिंग करके मतलब कि ज़मीन से ऊपर डंडे का सहारा लेकर के रस्सियों से बांध करके उस पर उसको क्रीपर्स को लटका देते हैं इससे जो है काफ़ी जो है ज़्यादा वो हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अगर आवश्यक हो तब कोई केमिकल्स का यूज में आप प्रयोग करने की आवश्यकता है जनरली जो है इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि अगर वेजिटेबल में अगर आपको किसी तरह के केमिकल्स को ऊपर से अगर आपको देने की आवश्यकता पड़ती भी है तो आप नीम नीम आयल का प्रयोग आप कर सकते हैं जो कि चार से पाँच किलो नीम एक हेक्टेयर के लिए सफिशियंट होता है चार से पाँच किलो नीम आयल एक हेक्टेयर के लिए सफिसियंट होता है ये जो है एक तरह से आप इससे दो तीन चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं एक तो जो है आप क्या कर सकते हैं ये एक तरह से आपको पौधे को ऊर्जा भी देने का काम करता है दूसरा आपको एंटी इसमें नीम में जो होता है कीड़े को मारने की नहीं कीड़े को दूर भगाने की क्षमता होती है जिसको कि इंग्लिश में या साइंटिक भाषा में कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में एंटीफिडेंट एक्टिविटी उसमें होती है तो वो कीड़े को दूर रखता है और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इसका जो असर होता है वो वायरस से रिलेटेड जो भी सब्जियों में खासकर जो बीमारियाँ आती हैं वायरस को जो है ये दूर रखता है वायरस से भी इसे आप बचा सकते हैं तो एक तो नीम आयल का प्रयोग चार से पाँच किलो चार से पाँच लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नीम आयल नहीं मिलता है तो आपके पास गाँव में नीम की पत्तियाँ होती हैं चाहे आपके पास नीम निबोली होती है नीम से सारे प्रोडक्ट जो भी होते हैं तो उसको आप ले लीजिए उसको जो है आप जो है थोड़ा सा आप उसमें कुछ लहसुन वगैरह कुछ डाल करके इस तरीके से और उसको नीम की पत्ती को उबाल लीजिए थोड़ा सा उसमें आप तंबाकू भी डाल सकते हैं थोड़ा सा और डाल करके और उसको उबाल करके और उसका जो तत्व निकलता है उसको छान लीजिए जब वो ठंडा हो जाए छान लीजिए उसको उसका पाँच का घोल आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं जो इस तरह के कीड़े लगते करेंगे हैं, हैं। स्प्रे कर सकते हैं पाँच परसेंट का घोल मतलब कि अगर आपको सौ लीटर का घोल बनाना है तो पाँच लीटर उसका जो जो आपने जो छान लिया है नीम की पत्तियों को सबको निबोली को जो उबालने के बाद उसको और पचानवे लीटर पानी में आप इसको प्रयोग करिए तो वो जो है काफी बेहतर जो है होता है प्रयोग कब करना है सर कितने दिनों दिन जब आपका इंसेक्ट जब आना शुरू हो जाए उस समय आप कर दीजिए वो आपको इंसेक्ट को लगने से रोकेगा जी। प्लस उसमें नीम नीम आयल का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपका जो जमीन के जो कीड़े होते हैं अगर आप सिंचाई के पानी के साथ आप दे रहे हैं तो जो टर्माइट है हमारा जो कटवर्म है हमारा जो हमने वाइट ग्रब बताया जो जमीन के नीचे जो है रहते हैं उनको भी कंट्रोल करता है प्लस पत्तियों पे कीड़ों को लगने से रोकता है सबसे ज़्यादा रोकता है ये रेड पंप किन बिटिल को जो हमने पहले बताया ये कि इंसेक्ट है हाँ उसको सबसे ज़्यादा रोकता है ये और तीसरा सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि एक तरह से आप ऑर्गेनिक मोड में चले जाते हैं भाई ये आपका जैविक मटेरियल है दूसरी चीज़ है कि अभी भारत सरकार का एक विभाग है इफको इफको की तरफ से एक प्रोडक्ट आया हुआ है सागरिका सागरिका अभी सागरिका का कुछ नाइट्रोजन नाइट्रोजन एलिमेंट भी आ गया है लिक्विड के रूप में आ गया है और इसका सागरिका का डायरेक्ट जो है मटेरियल है जो लिक्विड के रूप में आ गया है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और वो हंड्रेड परसेंट आर्गेनिक इफ्को द्वारा क्लेम किया गया है कि हंड्रेड परसेंट वो आर्गेनिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक तरह से संस्थान है तो ये जो है आ, आर्गे इसको आप प्रयोग कर सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है इसका आ, बहुत सारा जगह पर एक्स, एक्सपेरिमेंट भी हुआ है और इसको जो है हम नैनो नाइट्रोजन लिक्विड के रूप में आया है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और वो टोटली आर्गेनिक है तो इसमें सब्जियों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसके साथ साथ जो है आप देख लीजिए कि आप स्टिंक बग जिसे लगता है वो कुकरबिट कुकरबिट्स का जो स्टिंक बग्स होता है वो सभी एक तरह से फसल जितनी सब्जियों की फसलें हैं सब पे नुकसान पहुंचाता है ये भी जो एक तरह से कह सकते हैं पॉलीफेगस है और प्लस सारी सब्जियों पे जो गर्मी की सब्जियां होती हैं वो जो है उसमें अच्छा ग्रेज ब्राउन कलर के इसके जो एडल्ट होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं थोड़ा इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करने की भी आवश्यकता होती है कि, कि भाई आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और जैसे कि हमने बताया कि आ, आपको पंपकिन बिटिल में जो हमने बताया कि कीड़े जो है कुतर कुतर के पत्तियों को खाते हैं जबकि इसमें क्या होता है कि यह कीड़ा जो बग होता है इस ये पियरसी एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट जो चाहिए कि चूसने और चूसने वाले जो इसमें जो माउथ पार्ट होते हैं जो इसके मुंह जो होते हैं जो वो जो है पत्तियों से रस चूसते हैं तो रस चूसने के साथ एक तो पौधे से ये तत्व चूस लेते हैं प्लस जहाँ से चूसते हैं वहाँ से ये बीमारी भी शुरू हो सकती है कहीं कहीं तो इस तरीके से ये जो है डबल जो है तरह से नुकसान आप कर सकते हैं करते हैं ये तो इसके साथ और क्या होता है कि मतलब जिसे पत्तियाँ जो है काली पड़ जाती हैं कभी कभी तो, इस तो इसका जब ज़्यादा मतलब असर होता है तो कुकर कुकर स्टिंग बग एक्स आर वन आर मतलब एक बट बत, एक बटे सोलहवां इंच बहुत छोटे छोटे ये एक तरह से होते हैं और ये क्लस्टर में देते हैं ये पंद्रह से चालीस अंडे एक क्लस्टर में देते हैं और पत्तियों के निचले हिस्से में देते हैं ये अंडे पत्तियों के निचले हिस्से में देते हैं और जो इनका जो कलर होता है अंडे का जो कलर होता है पत्तियों के नीचे आप जाएंगे देखेंगे ब्रांच या ब्रिक रेड कलर का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एकदम से लाल लाल कलर का कीड़ा है, जो अंडा होता है इनका ये जो है पत्तियों के निचले हिस्से में देंगे और अंडे से जो लारवा जो निकलेगा वो एक से दो सप्ताह मतलब सात से एक तरह से आप कह सकते हैं पंद्रह दिन में ये अंडा से लार्वा निकलता है इसका और जो इसका जो निम्फ होता है लार्वा कर रहे हैं निम्फ निकलता है इसमें एक चूंकि इसके तीस तीसरी तीसरी तीन स्टेज होती है उसमें चार स्टेज होती है इसमें तीन स्टेज होती है तो इसके जो निम्फ होता है स्टेज वो जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है तो जो है निम्फ जो निकलता है वो जो है एक तरह से वाइट से लेकर के ग्रीनिश कलर का ग्रीनिश और ग्रे कलर का ये होता है ठीक है ना डार्क ब्राउन से रिजेम्बल्स कर कभी कभी इसमें जो है जो इसके एडल्ट होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं थोड़ा कलर इनका बाद में चेंज हो जाता है और ये जो एडल्ट जो है होते हैं वो चार सप्ताह में एक तरह से फुल ग्रोन हो जाते हैं टोटल लाइफ इनकी लाइफ साइकिल जो होती है चार से पाँच सप्ताह की होती है मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे उसमें उसमें भी आपने देखा कि वो मतलब एक तरह से चालीस से पचास दिन में जो है वो तैयार हो रहे थे और ये भी जो है चार से पचास मतलब कि अट्ठाईस से पैंतीस दिन में ये लाइफ साइकिल अपनी पूरी करते हैं इनका भी मैनेजमेंट इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो भी जो स्टेज होती है इनकी जो आप अगर उसको आप हाथ से अगर निकाल करके उसको मिट्टी में दबा दें वो ज़्यादा बेहतर है फील्ड सेनिटेशन जो हमने उसमें भी बताया वो ज़्यादा बेहतर है किसी तरह का कोई खरपतवार खेत में ना हो आ, वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है और ओवर विंटरिंग करते हैं ये तो उसको भी जो है आप जैसे ओवर विंटरिंग का मतलब कि इस साल की जो फसल में जो कीड़े लगे हुए हैं वो अगले साल जो है भी वहीं पे जो है उसी खेत में पड़े रहते हैं उनके जो लार्वा या जो भी स्टेज और भी है बहुत सारे तो वो जो है इसको तो इसको जो है अगर कंट्रोल करने के लिए अगर आप इंसेक्टिसाइड की अगर बात बात करें तो सबसे सेफर इंसेक्टिसाइड मेलेथियन होता है उसका इंसेक्टीसा उसका प्रयोग कर सकते हैं पहले डेमाथोएट भी यूज करते थे तो अभी थोड़ा सा उसकी जी सर दर्शकों हम बात कर रहे हैं प्लांट प्रोटेक्शन इन वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में और अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है भारत सरकार द्वारा गांव से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव बचाव है आपस में दो गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ आरोग्य सेतु ऐप पर लॉग अवश्य करें घर पर रहे और एन की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए पीएम ई विद्या पर टीवी रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्यावाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी एन द्वारा किया जा रहा है आपसे एक ही अनुरोध है जब भी छीके मुंह और नाक को ढकना ना भूलें भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें और एक बात जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें साफ रहें स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहें दो गज दूरी मास्क है जरूरी किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर वन जीरो सेवन फाइव जीरो वन वन टू थ्री नाइन सेवन एट जीरो फोर सिक्स ई मेल करें एन सी ओ वी टू जीरो वन नाइन एट जी ओ वी डॉट इन करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने अपना स्वयं बने हम अपना, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने But ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने तो आप सभी का पुनः स्वागत है आज हम टॉपिक जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वह है प्लांट प्रोटेक्शन इन समर वेजिटेबल क्रॉप्स और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं स्टूडियो में डॉक्टर महंग कुमार राय प्रोफेसर एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर सब ब्रे, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है प्रोग्राम में और दर्शकों आप सभी जानते हैं आप सभी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि जाने से पहले हम कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो प्रमुख इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे सर ने हमें रेड पेम्पिन बीटल के बारे में बताया और कुकर बड्स स्टिंग बग के बारे में बताया और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर जी धन्यवाद जैसे अभी हम लोगों ने वेजिटेबल एज ए होल जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें दो इंसेक्ट जो मेन थे एक कोलेप्ट्रा ग्रुप का हमने आपको बताया और जिसमें कि चार अवस्थाएं होती हैं एक हमने हेमिप्ट्रा ग्रुप का बताया आपको जिसमें कि तीन अवस्थाएं होती हैं दोनों मेजर इंसेक्ट हैं और तीसरा जो मेजर इंसेक्ट है वो है फ्रूट फ्लाई जो जो सारे लोग सुन जानते हैं कि फ्रूट फ्लाई होती है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है तो ये डिप्टेरा ग्रुप की है ये तीन सेक्ट्स के अलग अलग आर्डर होते हैं तो इसमें ये जो कोलिप्ट्रा और हेमिप्टरा के भी तीसरा ग्रुप है डिप्टेरा इसके जो है होते हैं तो कोलिप्ट्रा में हमने आपको बताया कि कोलिप्ट्रा के जो लार्वा होते हैं उनको ग्रब बोलते हैं और इसके जो है उसको हेमिप्टरा के जो सेकेंड स्टेज होती है उसको निम्ब बोलते हैं और इसमें जो है जो डिप्टरा के जो लार्वा होते हैं इनको जो है हम बोलते हैं मैगट तो एक तो हमारे बच्चों हमारे लर्नर्स को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस इंसेक्ट्स में कौन सी कितनी स्टेज होती हैं और ये मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिक्टिव का जो इंसेक्ट होता है ये जो हमारा फ्रूट फ्लाई है और ओनली द मैंगट्स की डैमेज बाई फीडिंग आ नियर रिप फ्रूट फ्रूट्स पे जो है ये काफ़ी जो है मतलब एक तरह से आप कर सकते हैं और द मैगट्स आर लेगलेस एंड अपीयर एज हेडलेस जो आ, uh, ये देखने में लगता है कि हेडलेस हैं डी वाइट रिकिंग क्रिएचर्स होते हैं थिकर एट वन एंड एंड एट टू ए पॉइंट एट द आर्डर अदर ए फुल ग्रोन मैगट मतलब इनके जो जो फुल ग्रेन मैगट होते हैं वो नौ से दस मिलीमीटर mm, मतलब सोच लीजिए कि कितने छोटे छोटे होते हैं और दो मीटर दो मिलीमीटर चौड़े होते हैं बस सोचिए कितना जो है इस छोटी साइज के होते हैं और एडल्ट इनके होते हैं रेडिस ब्राउन कलर के और लेमन एलो कलर के मतलब ये कलर वेरिएट करते रहते हैं ये इसके साथ आप जो है जो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो पेस्ट जो है थ्रू आउट ईयर जो है मतलब एक तरह से पूरे साल ये एक्टिव होते हैं और विंटर में इनकी जो है लाइफ साइकिल बढ़ जाती है थोड़ी तो सी इनकी लाइफ साइकिल लंबी हो जाती है एडल्ट फ्लाइज जो है इमर्ज फ्राम पी इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह ये जो है अंडे से जो है एक तरह से इमर्ज होते हैं मतलब ये वी यू से इमर्ज होते हैं और टेक्स ए फ्यू डेज टू एक्स एक टू मैच्योर अंडे से जो कुछ दिनों में ही मैच्योर होते हैं और ड्यूरिंग विंटर प्री ओपोजिशन पीरियड इनकी काफ़ी लंबी होती है इस तरीके से जो है आप समझ लीजिए कि ये अट्ठावन से पचानवे दिन तक पचानवे अंडे जो है ये चौदह से चौवन दिन में ये देते हैं तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल जो है आप इसको देख सकते हैं इसमें जो है इंसेक्ट का जो वो है और इनके मेल और फीमेल में आप डिफरेंस देख सकते हैं लाइफ साइकिल इनकी जो है एक से नौ दिन में अंडे से मैगट निकलता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो है ये एक तरह से आप समझ कर समझ कर समझ आप समझ लीजिए कि इसको ये रिस्पांसिबल होते हैं और फूल ग्रोन जो है लार्वी जो होते हैं इनके जो फूल ग्रोन जो है मतलब एक तरह से जो मैगेट जो बोलते हैं वो तीन दिन में जो है एक तरह से कंप्लीट हो जाते हैं और तीन सप्ताह जो है लग जाता है इनको विंटर में तो ये तीन दिन से लेकर के तेईस दिन तक की इनकी लारवी होती है विंटर्स में ये तेईस इक्कीस दिन, दिन तक की लारवी हो सकती है मैगट और गर्मियों में ये तीन दिन में ही इनका लाइफ साइकिल पूरा हो सकता है तो सोचिए कितनी फास्ट जो है गर्मियों में इनकी लाइफ साइकिल मैच्योर होती है मैच्योर लारवी कम आउट ऑफ द रॉट फ्रूट्स एंड मूव अवे इन द जंप्स आप बारह से बारह से बीस सेंटीमीटर तक जो है इनको मूव करते हैं जंप करते हैं ये जो सड़े हुए जो एक तरह से आप कह सकते हैं फल होते हैं उससे ये जो है इनकी फ्लाइज जो है निकलती हैं और इस तरीके से जो है ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं जी और हम बात कर रहे हैं जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट है कुकर बिट्स के और सर हमें पम्पकिन फ्लाई के बारे में डिटेल में बता रहे हैं और इससे क्या क्या डैमेज होता है सर बताइए इसमें जो है तो मैगट जो, जो पोलूट कर देते हैं पूरा जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि पूरा फ्रूट्स जो है एक तरह से पोलूट कर देते हैं और जो आप देखे होंगे कि कहते हैं कि फल में जो कीड़े लगे हुए हैं तो एक तरह से यही कीड़े जो है ज़्यादा होते हैं जो फ्लाई फ्रूट फ्लाइज होती हैं तो ये पल्प वगैरह पे जो है काफ़ी लग जाते हैं और आपको छोटे 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 उल्टे आपको दिखाई देंगे बहुत सारे मोस्ट सीरियस एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये uh, फलों को बाकी तो कीड़े जो है पत्तियों में तनों में जड़ों में लग जाते हैं लेकिन ये डायरेक्टली जो है फ्रूट्स को डैमेज करते डायरेक्ट तो इसलिए जो है ये जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसको सेल करने में काफ़ी जो है दिक्कत होती है और फर्स्ट शोर ऑफ़ द मानसून द इन्फेक्शन हंड्रेड परसेंट मतलब आप समझ लीजिए कि ये हंड्रेड परसेंट तक जो है आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इसको कंट्रोल करने की फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने की कोई अगर व्यवस्था नहीं है तो मैनेजमेंट इनका कैसे कर सकते हैं रेगुलर रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ़ द इन्फेस्टेड फ्रूट्स मतलब जिस फल में ये फ्रूट फ्लाई लग गई है तो उसको आप कम से कम जो है निकाल करके उस फल को जो प्रभावित फल है उसको आपको मिट्टी के अंदर जो है इसको दबा देना है और अगर मतलब अगर इसमें कोई अगर आपके पास अगर ट्रैप मिल जाए तो इसके लिए ल्योर होते हैं उस ल्योर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड अगर अति आवश्यक हो तो मेलाथियन का ही आप प्रयोग करिए जो 50 परसेंट इमसिफेबुल कंसनट्रेट के रूप में आता है वो एक लीटर पानी में दो मिलीलीटर दवा को जो है ले करके आप इस्प्रे इसमें कर सकते हैं इस तरीके से जो है रूट जोन को आप इसमें ट्रीटमेंट करिए वो भी काफ़ी जो है ज़्यादा होता है चूँकि इसको जो है वहाँ से इसको एक तरह से शेल्टर मिलता है तो इस तरीके से जो है आप इसको लाइट ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं बाकी कीड़े भी कंट्रोल होते हैं फेरोमोन ट्रैप जो हमने बताया उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं काफ़ी जो है ज़्यादा उसमें कंट्रोल करता है तो फ्रूट फ्लाई जो है इंपॉर्टेंट है इसी इसी साथ साथ एपिलेकना बिटिल है ये भी जो है कोलेप्ट्रा ग्रुप से होता है ये भी आपको जो है नुकसान पहुँचाता है आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर हैं एक लेकना बिटिल्स के ये जो है हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं कुछ इसमें जो है कोलेप्ट्रा ग्रुप के कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारे एफिड को मैग्र थ्रिप्स को खाने का भी काम करते हैं तो उसमें अगर हम, हमको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसमें हमको देख लेना है पहचानने की ज़रूरत है कि इसमें से बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन से कौन से होते हैं हमारे लिए और कौन से हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं तो इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं जी ये बहुत जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन okay. सा इंसेक्ट आपके खेतों में लग रहा है जी, जी. और जैसे कि कुछ कुकर learner, आपको पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं उनके डैमेज कैसे करते हैं वो कहाँ पे लगते हैं लीव्स के ऊपर लगते हैं नीचे लगते हैं है, रस चूसते हैं या फ्रूट्स को खाते हैं हाँ। तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है सैनिटेशन प्रॉपर है आपकी नर्सरी अगर ठीक ठाक आपने जो है आपने ग्रो किया हुआ है तो इसमें जो है कीड़े की संख्या कम हो जाती है जो फल प्रभावित हो जाए उसको जो है अगर आप तत्काल जो है निकाल करके मिट्टी उट्टी में अगर दबा दिया करें और बार बार जो है आप देख लीजिए कि उसमें कहीं अगर कोई फल नुकसान हो रहा है उसमें कीड़े लग रहे हैं तो उसको जो है बाकी जगह फैलने से आप उसको रोक सकते हैं और मेलाथियन सबसे सेफर इंसेक्टिसाइड है जी सर वो जो एक कंसेप्ट है आईपीएम का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लस हमें ये पहचाने के हमारे लर्नर्स को ये पहचानने की जरूरत है हमने बताया कि जिसे इपिलेखना बिटिल है जी और हमारे पास कक्शनलिटिल होते हैं ये इनको पहचानने की जरूरत है आप उसमें देख सकते हैं जिसे लेडी बर्ड बिटिल है कोलेप्ट्रा में ये भी आता है तो कभी कभी हमारे लर्नर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो है ये अभी हमारा नुकसान पहुँचा रहा है जबकि वो क्या होता है कि एफिड को खाने का काम करता है तो हमें पहचानने की ज़रूरत है कि लेडी बर्ड मिटिल चाहे हमारा ग्रेस लेस ग्रेस विंग है लेस विंग है ये कैसे जो है स्टेफ्रेंडिड इंसेक्ट होते हैं जो तो उनको भी जो है हमको पहचानने की ज़रूरत है आप देख सकते हैं इसमें जो है अलग अलग जो है हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे नेचुरल एनिमीज़ के बारे में के लिए के रूप में काम करते हैं जो ऑलरेडी जो इंसेक्ट लगे होते हैं उनको खाने का काम करते हैं जी तो इसमें दो देखा तरीके होते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल बेनिफिशियल है हाँ होते हैं। इसमें इसमें भी दो तरीके के होते हैं एक होते हैं प्रीडेटर और एक होते हैं पैरासाइट पैरासाइट क्या करता है कि दूसरे कीड़े के ऊपर जो है लग करके उसको आ, उसके अंदर जो है एक तरह से बीमारी पैदा करने का काम करता है और वो मार डालता है उसको और तीसरा होता है प्रीडेटर होता है जो जस्ट उसको खाने का काम करता है इस तरीके से जो है हमको इसमें भी जो है आपको देख सकते हैं प्रीडेटर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप फोटोग्राफ के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको जो है बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे जिनको कि जो है एक सबसे जो कॉमन बैटिक बैक्टीरिया है जिसको कि आजकल पाउडर के रूप में भी जो है मिल रहा है और ख़ासकर जो कोलेप्ट्रा के जो इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लेप्टेप्ट्रा के रूप के इंसेक्ट हैं उनके लिए जो है बैसिलस थोरेंजिस जिसको कि बहुत सारे लर्नर्स जानते होंगे बेटी का नाम बार बार आप सुनते होंगे बीटी का प्रयोग आपको बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरह से कामन हमारे जो जैविक के किसान हैं या जो अच्छे किसान हैं वो बीटी का प्रयोग बेसिलस थोरनजींसिस एक तरह से बैक्टीरियल हमारे कह सकते हैं कि आर्गेनिक ए, के प्रोडक्ट है इसका आप प्रयोग करने की आवश्यकता है इसको आप ध्यान ध्यान रख लीजिए सॉयल बैक्टेरियम भी होते हैं बहुत सारे उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से जो है आप इसको मार्केट से लेकर के या मार्केट में भी अवेलेबल है नहीं तो रिसर्च जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं हो तो उससे आप पूछिए बीटी हमको यूज़ करना है हमारे अपने खेत में तो ये किसी भी फसल के लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे रहा है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं जिसको कि इंटोमोपैथोनोजी पैथोजोनिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं आप जो है इसके साथ साथ जो है आ, आ, फंगस भी इसके साथ होते हैं फंगस बहुत सारे होते हैं जैसे कि एक फंगस होता है बेबेरिया बैसियाना बबेरिया बेसियाना का भी आप प्रयोग कर सकते हैं कीड़े को कंट्रोल करने के लिए मेटराइजियम आइसो इनाइसोपली है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं नूमेरिया है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं कहीं कहीं जो है ट्राइकोडर्मा का आप प्रयोग करते हैं लोग बहुत सारे लोग ट्राइकोडर्मा का भी आप प्रयोग करते हैं जो बहुत सारे किसानों को पता है कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं तो एक तो हमने बैक्टीरिया के बारे में बता दिया आपको कि भाई बैक्टीरिया में बीटी बेसिल है इस तरीके से फंगस के बारे में हमने बताया अब एक तरह से वायरस भी होते हैं तो वायरस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं जैसे जो कीड़े जो लार्वा जो लगते हैं उसमें अगर उन्हीं लार बीमार लार्वा को अगर पकड़ करके अगर हम जो है उसको ड्राई करके और उसका जो है अगर सल्यूशन बना लें और उसको अगर उसी कीड़े के ऊपर जिसे कोई बीमार बीमार लार्वा किसी के पौधे में लगा हुआ है सब्ज़ी में और वो पता लग गया वो बीमार लार्वा की पहचान कैसे है कि वो उल्टे लटक जाते हैं हाँ पत्तियों पे उल्टे लटक जाते हैं तो उनको अगर 10 20 50 100 की संख्या में अगर आप इस तरीके से कलेक्ट कर लें और उसको जो है ड्राई करके और उसको उसका सोलूशन बना करके और दोबारा पानी मिला करके स्टीकर मिला करके अगर हम दोबारा उसी फसल पर अगर उसको हम स्प्रे कर दें तो जो उसमें बीमार का लारवा था वो दूसरे लोग दूसरे लारवा में बीमारी पैदा कर देता है इस तरीके से हम वायरस का प्रयोग कर सकते हैं जिसको कि एम वायरस बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोपॉलीड्रोसिस वायरस इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं ये भी काफ़ी जो है ए, मतलब पॉपुलर हो रहा है उसमें और ये आर्टिफिशियल तरीके से जो तैयार करके लैब में या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इसको भी सेल किया जा रहा है एन पी जिसको बोलते हैं जिनको कि एंटीमो इंटोमोपैथोजनिक वायरस के नाम से जाना जाता है जिससे हेलिकोअर्पा इंसेक्ट होता है वो भी काफ़ी इंसेक्ट में नुकसान पहुंचाता है खासकर टमाटर वगैरह में इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं नेमोटोट्स जिसे हमने बताया आपको कि फंगस है बैक्टीरिया है वायरस है आजकल नेमोटोट्स भी जो है बहुत काफ़ी जो है मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किए जा रहे हैं जिनको कि इंटोमोपैथोजोनिक नमोटोड बोलते हैं तो ये जो है नमोटोड्स जो है कीड़े के अंदर जो है जाकर के जो हमारा जो नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं और उसमें जो है ये अपने को अपनी संख्या को करोड़ों की संख्या में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको जो है हम वो कर सकते हैं जिसको कि इनको साठ में हम ई बोलते हैं इंटोमोपैथोजोनिक नेमोटोड ये हमारे लर्नर्स को समझने की ज़रूरत है कि इसको जो है आप वो कर लेते हैं स्टेनेमा इस इसमें सबसे ज़्यादा इसका पॉपुलर है और इसके साथ साथ बॉटनिकल कंट्रोल है प्लांट्स डिफाइंड इंसेक्ट थ्रो केमिकल आर फाइटोकेमिकल्स ये एल्फोलाइट्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से इनको जो है कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कुछ जो तो होते हैं इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर भी होते हैं उनका भी है, हमारे किसान लर्नस प्रयोग कर सकते हैं ये बॉटेनिकल्स होते हैं कुछ बायोरोशनल केमिकल्स होते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स होते हैं जो प्लांट में जो ऑलरेडी जो है एक तरह से कर सकते हैं कि उसमें होते हैं इसमें जो आजकल क्या होते हैं बहुत सारे जो जो हमारे रिसर्च संस्थान हैं उन्होंने रेजिस्टेंट वेरायटी भी हुआ है डेवलप किया हुआ है तो रेजिस्टेंट वेरायटी अगर जहाँ तक संभव हो वो मिल जाए तो उसमें क्या होता है किसी किसी में बीमारियाँ कम लगती हैं किसी किसी में कीड़े कम लगते हैं किसी किसी में आपको न्यूट्रिएंट uh, सेंसिटिव जो वैरायटी है उनका भी अगर हम प्रयोग करें तो वो ज़्यादा जो है मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो है फ़ायदेमंद होते हैं सभी जितने हमारे अवेलेबल टेक्निक्स हैं उनका जो है आप प्रयोग करिए हमारे साथ जो है मैं इस पर अगर आता हूँ कि अगर हमारे पास कल्चरल प्रैक्टिसेस अच्छी हैं और हमने फील्ड को सैनिटाइज करके किया सोलर solar, सोलराइज करके किया सोलर solar, सोलराइजेशन हमने यूज़ किया मतलब मल्चिंग का प्रयोग किया हमने स्टेकिंग के रूप में जो है समर वेजिटेबल्स को यूज़ किया सेफ़र जो है नीम नीम जो सेफ़र केमिकल है हमारे लिए कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल के रूप में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो नीम बेस्ड अगर हमने फार्मूलेशन को तैयार किया तो वो जो है काफ़ी जो है बेहतर कंडीशन में होता है हम रेजिस्टेंट वेराइटी का प्रयोग करें रेजिस्टेंट वेराइटी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं लाइट ट्रैप का प्रयोग करिए बल्ब लगाइए जो भी कीड़े अगर आपके खेत में लगने वाले हों तो वो इन आप कलेक्ट करके उसको मार सकते हैं फ्योमोइन ट्रैप जिसमें कि मेल मेल इंसेक्ट जो है नर कीड़े जो है उसमें आकर्षित होते हैं उनको आप ले करके जो है आप कलेक्ट करके उसको मार सकते हैं येलो स्टिकी ट्रैप है पीले रंग पीले कलर का जो है हम प्लेट लगा करके उसको पीले रंग से रंग देते हैं और उसको जो है उसमें ग्रीस लगा देते हैं उसमें बहुत सारे इंसेक्ट एक तरह से अट्रैक्ट होते हैं तो इन सब चीज़ों को अगर हम आप प्रयोग करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि आ, हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के रूप में उसमें सहयोग दे सकते हैं और लास्ट में मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर बहुत ही आवश्यक हो तो केमिकल्स का ऐसे केमिकल्स का प्रयोग करिए जो कि हंड्रेड परसेंट इन वेजिटेबल के लिए रिकमेंडेड हो वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेड हो जिसका वेटिंग पीरियड प्रतीक्षा अवधि सबसे कम हो सबसे कम हो और जो वैज्ञानिकों द्वारा या जो लोग रिसर्च संस्थानों द्वारा जो रिकमेंड किया गया हो उसी केमिकल का आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है लेकिन अगर हमारे पास सभी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन की व्यवस्था है तो हो सकता है कि आपको केमिकल्स की ज़रूरत न पड़े प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आजकल सबसे ज़्यादा उपाय जिसको कि पॉलीहाउस में सब्जियों की खेती करने की जहाँ तक बात आती है उसका प्रयोग करें हमारे पास अवेलेबल जो बैक्टीरिया जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है बेनिफिशियल फंगस है बेनिफिशियल वायरस है बेनिफिशियल नेमोटोड है इसका अगर हम प्रयोग करें इसका इसको जो है इसकी अगर जानकारी हमारे पास है या हमारे पास लैब अगल 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 बगल उपलब्ध है तो आप उसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है इससे क्या होता है कि आपकी लागत भी जो है कम हो जाती है आजकल बहुत केमिकल्स बहुत महंगे हो गए हैं तो लागत भी कम हो जाती है प्लस आपने जैसा कि बताया था कि सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है आप सेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए आप जैसे कि बताया पहले कि जीरो इनर्जी कूल चैम्बर का आप वो कर लीजिए आप अगर बैलेंस तरीके से आप अगर खेती कर रहे हैं तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास को ना डाल करके आप बर्मी कंपोस्ट को लेकर के खेत में आइए बर्मी कंपोस्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है वर्म्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए वर्मी वाश का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए ये जो है हमारे लिए वेजिटेबल को सस्टेनेबल और आर्गेनिक वेजिटेबल को कल्टिवेशन इसमें आपका एक तो रेट अच्छा मिलेगा प्लस आपको जो है क्या है कि आप इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और आप दूसरे को जो सब्जी दे रहे हैं खाने के लिए उसको भी जो है आप सेफर सब्जी प्रोवाइड करेंगे ये जो है ज़्यादा टारगेट होना चाहिए हमारे लर्नर्स का जी सर बहुत अच्छे से आपने बताया सर कि किस तरह से प्लांट प्रोटेक्शन करें समर वेजिटेबल क्रॉप्स का और इसमें जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर ने वो हमें डिटेल में बताया कि सबसे पहले हमें अपनी फील्ड को सैनिटाइज करना है बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा हमें इंपॉर्टेंट ने बहुत अच्छी बात बताई कि वैराइटीज़ का सिलेक्शन बड़े ध्यान से करना है कि आपके आपको जो आप जहाँ पे रहते हैं अपने अपनी, अपनी जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपके रिकमेंडेड वैराइटीज़ है वही वैराइटीज़ इस्तेमाल करें और रसिस्टेंट वैराइटीज़ टॉलरेंट वैराइटीज़ जो होती हैं विभिन्न इंसेक्ट पेस्ट और जो भी बायोटिक या एबाटिक स्ट्रेस से रिलेटेड उनका इस्तेमाल करना चाहिए तो जब भी आप अपनी खेती शुरू करें तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर आप रिसर्च कर लें उसके बाद ही आप वैरायटी का सिलेक्शन करें उसके अलावा सर ने हमें नेचुरल एनिमीज़ के बारे में बताया और वर्मी कंपोस्ट के बारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कल्चरल प्रेक्टिस जो हमें करनी है और जिससे कि हमारे इंसेक्ट पेस्ट कम लगे इसके अलावा जो ट्रैप्स यूज़ करने हैं चाहे वो लाइट ट्रैप हो या फिरमैन ट्रैप हो तो इन सबको हमें जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि जो आप जो वेजिटेबल उगाएं वो आप ऑर्गेनिक उगाएं हेल्दी उगाएँ जी और जो नीम ऑयल का सर बताया नीम ऑयल का इस्तेमाल करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आज के लिए बस इतना ही आगे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार